दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक शख्स खड़ा खड़ा अचानक बेहोश हो गया। शख्स ने एक बैग अपने कंधे पर टांग रखा था। एयरपोर्ट पर खड़े और यात्रियों की तरह वो भी अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहा था कि अचानक वो मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसके बगल में खड़ा एक शख्स भी सकपका गया कि ये क्या हो गया। इतने ही देर में ड्यूटी पर तैनात CISF जवान ने ये सब देख लिया और जवान बिना टाइम वेस्ट किए उसकी मदद करने को दौड़ा। जवान ने तुरंत बेहोश पड़े आदमी को CPR देना शुरू कर दिया। इसके बाद CISF की QRT टीम भी मौके पर पहुंच गई। इस दौरान घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और लोग देखने के लिए खड़े हो गए। इसके तुरंत बाद यात्री को IGI टर्मिनल 2 पर मौजूद मेदांता मेडिकेशन रूम ले जाया गया। ये पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। बेहोश होने वाले युवक की पहचान अर्शीद अयूब के रूप में हुई है, जो 20 अगस्त को सुबह 10:50 पर दिल्ली से श्रीनगर जाने वाली इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट का इंतजार कर रहा था। फ्लाइट दोपहर 1:40 पर रवाना होने वाली थी, लेकिन सुबह 10:50 पर ही यात्री की तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गया। बताया जा रहा है कि यात्री के सीने में तेज दर्द हुआ और इस दौरान वो दर्द सह न पाने के कारण बेहोश हो गया। घटना की जानकारी देते हुए CISF के जनसंपर्क अधिकारी असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल अपूर्व पांडे ने बताया कि IGI के टर्मिनल 2 पर एक यात्री बेहोश हो गया था, लेकिन इस दौरान CISF की त्वरित कार्रवाई के कारण शख्स की जान बच गई और उनकी हालत में सुधार हो रहा है। टर्मिनल पर बने मेदांता मेडिकेशन रूम में उनका प्राथमिक उपचार किया गया और इसके बाद आगे के इलाज के लिए शख्स को सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया। जनसंपर्क अधिकारी ने CISF जवान की त्वरित कार्रवाई की सराहना की है। उन्होंने कहा कि QRT टीम ने तुरंत व्यक्ति को CPR दिया, जिससे यात्री को राहत मिली और उनकी सूझबूझ के कारण एक कीमती जान को बचा लिया गया। ये CCTV फुटेज अब सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी 17 जुलाई को दिल्ली एयरपोर्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसमें एक महिला डॉक्टर ने एक बुजुर्ग व्यक्ति जिन्हें हार्ट अटैक आ गया था उनकी जान बचा ली थी। इसके बाद महिला डॉक्टर की खूब तारीफ हुई थी। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद CISF जवानों की भी जमकर तारीफ हो रही है।